वेलकम बैक टू हिस्ट्री इन्फो। आज हम आए हैं इखलास खान की मस्जिद देखने के लिए। ये दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं मनगुली गेट है और वीएन आयुर्वेदिक कॉलेज है जो बीएलडी की है, एएनएस उसके पीछे में ही मौजूद है। ये देखिए उसका रास्ता, यह है इखलास खान की मस्जिद। इससे पहले के वीडियो में हम इखलास खान की मजार देखने गए थे, आज इस इखलास खान की मस्जिद देखने आए। इसके अलावा यहाँ पे एक 3 कब्रें हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किए हुए गए हैं, क्रोनोग्रामिंग वर्क किए गए हैं, जिसपे इंस्क्रिप्शन लिखा गया है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए वो मस्जिद है जो यहाँ पे देखने हैं। ये इखलास खान की मस्जिद है। इखलास खान इब्राहिम आदिलशाह टू के चीफ मिनिस्टर थे और ये उनके गार्डियन भी थे। इन्होंने बीजापुर सल्तनत के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उनमें से थोड़े बहुत ही लोग जानते हैं, जैसे कि चांद बीबी को सातारा से छुड़ा कर वापस ले आना और जितने भी रेबल्स बगावत किए थे बीजापुर में लोगों को, उन सबको शांत करवाना। ये देखिए वो मस्जिद जो इखलास खान की है, एक छोटी सी मस्जिद है, खूबसूरत तरीके से बनाई गई। इखलास खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इखलास खान ने नहीं, मुर्तजा खादरी जो जहाँ पे इनकी मजार है, मुर्तजा खादरी दरगाह के कब्रिस्तान में मुर्तजा खादरी की नमाज, जनाजा नमाज भी इन्होंने ही पढ़ाई थी। ये इतने पढ़े लिखे आदमी भी थे, मतलब स्कॉलर भी थे। अब हम देखने जा रहे हैं वो 3 खबरें जिसपे काफी खूबसूरत तरीके से क्रोनोग्रामिंग किया गया है। ये देखिए वो पहली खबर दोस्तों, इस पे इंस्क्रिप्शन और क्रोनोग्रामिंग वर्क इतनी बेहतरीन तरीके से किया गया है कि क्या बोले, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कब्र है। ये देखिए ऊपर में इस तावीज के ऊपर काफी सारा काम किया गया है, बहुत खूबसूरत सा डिजाइन भी किया है इसमें। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ होने के वजह से बाकी 3 कब्र तो हमें मिली नहीं, मगर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे कब्रें हैं जो इस वक्त झाड़ियों में छुपी हैं। ये देखिए वो छोटे छोटे कब्रें हैं, शायद बड़ी कब्र नहीं है, छोटी ही कब्र है, उस पे भी खूबसूरत तरीके से क्रोनोग्राम किया गया है जो अभी नजर नहीं आ रही है, झाड़ी में है। ये देखिए इखलास खान की मस्जिद के आगे जो बावड़ी है ये उसका नजारा है। यहाँ पे एक बड़ी सी बावड़ी भी है जिसमें अभी पानी है मगर वह गंदा है। ये देखिए वो कोर्टयार्ड फतेह गेट जिसको हम मनगुली गेट कहते हैं, उसकी बाउंड्री वॉल है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये इखलास